जी टीवी के सीरियल हमारी वाली गुड न्यूज में आज फिर देखने को मिली मुकुंद और मीरा के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक। दरअसल आज मीरा मुकुंद के किचन में खाना बनाने की कोशिश कर रही होती हैं। भाई इसे कोशिश ही कहेंगे क्योंकि रोटी बनाते वक्त अगर कोई आग लगा दे उसे अच्छा बावर्ची नहीं कहा जा सकता। चलिए मीरा जी बावर्ची बन रहे, जो अपने हाथ का बना खाएंगी ना तब पता चलेगा कि स्वाद कैसा होता है। हाँ बनाओ बनाओ। मीरा की आवाज सुनकर मुकुंद दौड़े दौड़े किचन की ओर भागे। करके नहीं आप? और आग पर काबू पाकर मीरा की लगाई जमकर क्लास। लेकिन मीरा घबराने और डरने की बजाय उल्टा मुकुंद पर ही मुस्कुरा रही हैं। अगर आग लग जाती तो देखिए आग से खेलना बंद कीजिए वरना बहुत महंगा। कि हो क्या गया आपको? जब मैं बात करने लगता हूँ तो ही करके मुस्कुराने लगती हैं आप। बंद कीजिए अपनी मुस्कान। भाई इनकी ये अटखेलियां तो चलती ही रहेंगी। प्यार होते हुए भी न जाने कब जुबान पर आएगा। मुकुंद बाबू यूं ही मीरा के दिल से खेलते रहेंगे। हो, पर एक बात तो है, परवाह तो अभी भी करते हैं मुकुंद जी मेरी। जलने का इलाज बर्फ होती है, समझिए आप। इसलिए अगली बार ध्यान रखिएगा, ये आग लगाने के काम ना बंद कीजिए आप। मेरा घर जल सकता था। एक बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कल को अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो आप तो बच के निकल जाएंगे, लेकिन मेरे घर में आग लग गई तो बताइए मैं रहूंगा कहाँ? सोचा है कभी इस बारे में मीरा जी? बड़ी आरती उतारी जा रही है। कल तक तो नव्या के नाम से चीड़ होती थी मॉम को, आज अचानक क्या हो गया है इन्हें? तो वहीं दूसरी तरफ नव्या और ऋत्विक का गृह प्रवेश किया जा रहा है। भाई खुशी की बात यह है कि अब नव्या भी माँ बन सकती हैं। सासू माँ आरती उतार रही हैं और बहू रानी का गृह प्रवेश करा रही हैं। नजर ना लगे। अरे हमेशा खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फटो। परमार फैमिली का वंश आगे बढ़ने जा रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? सॉरी नव्या, पहले मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी ऋत्विक के साथ हो, पर अब जब तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, हमारा वंश आगे बढ़ने जा रहा है, तो मैंने सारे गिले शिकवे मिटा दिए और तुम्हें ऋत्विक की वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। मॉम अभी गुड न्यूज आई नहीं है, अभी सिर्फ ये पता चला है कि नव्या माँ बन सकती है। हाँ वो खुशखबरी भी जल्दी आ जाएगी। नव्या भी आज बेहद खुश है। नव्या और ऋत्विक ने आज घर वालों के आशीर्वाद के साथ साथ ऊपर वाले का भी आशीर्वाद लिया। भाई इनकी खुशियों में अब किसी की नजर न लगे क्योंकि बहुत दिनों बाद इस परिवार में खुशियों ने दस्तक दी है। आज तक ब्यूरो।